नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। 132 साल पुराने क्रिकेट इतिहास में साउथ अफ्रीका के लिए गिने चुने ब्लैक क्रिकेटर्स हुए, लेकिन उनमें से एक क्रिकेटर ऐसा रहा जिसने साउथ अफ्रीका के लिए ना सिर्फ 100 टेस्ट मैच खेले बल्कि अपना नाम भी इतिहास में दर्ज करवाया। उस क्रिकेटर का नाम है मखाया एंटनी। आज हम आपको बताते हैं साउथ अफ्रीका के तीसरे सबसे सफल तेज गेंदबाज एंटनी के करियर से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और कहानियां। साल 1970 में साउथ अफ्रीकी सरकार की रंगभेद नीति की वजह से आईसीसी ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम को बैन कर दिया। ये बैन साल 1991 यानी 21 साल तक बना रहा। जब साउथ अफ्रीका सरकार ने रंगभेद के खिलाफ अपनी नीति को बदला, इसके बाद ही 10 नवंबर 1991 को साउथ अफ्रीकी टीम की फिर से क्रिकेट में वापसी हो पाई। इस नीति के बदलने के बाद एक के बाद कई ब्लैक खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका टीम के लिए मैदान पर उतरने का मौका भी मिला। साल 1998 में साउथ अफ्रीकी टीम के लिए डेब्यू से पहले मखाया एंटनी की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ईस्टर्न केप के एमडिंगी गांव में मखाया का बचपन एक मवेशी की तरह गुजरा। वो बचपन में गाय और जानवर चराते थे। उस वक्त मखाया के पास ठंड से बचने के लिए एक जोड़ी जूते भी नहीं होते थे। खुद को ठंड से बचाने के लिए मखाया अपने दोस्तों के साथ गाय के ताजे गोबर का इंतजार करते थे। गाय के गोबर करते ही वे उसे अपने पैरों पर डाल लेते थे जिससे कि उनके ठंडे पैरों को गर्मी मिल सके। मखाया को क्रिकेट खेलने का जुनून बचपन से ही था। लंबे कद के इस गेंदबाज पर बॉर्डर क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी की नजर पड़ी। उन्होंने 15 साल के इस लड़के की तेज गेंदबाजी देखी, साथ ही उन्होंने इसके नंगे पांव भी देखे। फिर उन्होंने इस गाय चराने वाले लड़के को कपड़े के जूते दिलवाए और किंग्स विलियम टाउन में उसे प्रैक्टिस करने के लिए जगह भी दिलवाई। इसके बाद एंटनी की किस्मत और खेल ने उनका फिर से साथ दिया। इस बार डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक अधिकारी ग्रेग हे की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने इस लड़के को क्रिकेट में आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद एंटनी की जिंदगी ने करवट बदल ली। 2 साल बाद उन्हें साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम में जगह मिली और वो इंग्लैंड और भारत के दौरे पर गए। समय बढ़ते बढ़ते 20 साल की उम्र में उन्हें साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम में भी जगह मिल गई। एंटनी पहले ब्लैक क्रिकेटर बने जिन्होंने साउथ अफ्रीका टीम में खेलना शुरू किया। अभी साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए एंटनी को एक ही साल हुआ था कि उन पर रेप का गंभीर केस लग गया। एंटनी पर आरोप लगा कि उन्होंने 21 साल की एक स्टूडेंट के साथ रेप किया है। उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ उस लड़की को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और उस वक्त की साउथ अफ्रीका टीम में इकलौते ब्लैक क्रिकेटर को साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप टीम से बाहर निकाल दिया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने एंटनी को रेप के आरोपों से बरी कर दिया। इसके बाद उनकी फिर से नेशनल टीम में वापसी हो गई। इसके बाद एंटनी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाय के गोबर के साथ पले बड़े लड़के के जीवन में वो गोबर हमेशा रहा। एंटनी ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वे हमेशा अपनी किट बैग में प्लास्टिक के पैकेट में गाय का गोबर जरूर रखते थे। उन्होंने बताया, पूरे करियर में मेरे पास वो गाय के गोबर का एक टुकड़ा हमेशा रहा। वो मेरा लकी चार्म भी था जिसकी वजह से मैं हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। मुझे जब भी मैदान पर बेहतर प्रदर्शन की जरूरत होती तो मैं उसे चूम लेता था। वो हमेशा मेरे लिए काम करता था। आप चाहें तो मेरा स्टेटस देख सकते हैं। साल 2003 में साउथ अफ्रीकी टीम इंग्लैंड गई। लॉर्ड्स के मैदान पर सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जा रहा था, लेकिन एंटनी उन दिन कुछ और ही सोचकर उतरे थे। उन्होंने पहली पारी में ही इंग्लैंड को 173 रनों पर ढेर कर दिया। उन्होंने पारी में 75 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए, लेकिन इसके बाद ग्रेम स्मिथ के दोहरा शतक के बाद एंटनी पर से सबका ध्यान हट गया। हर तरफ सिर्फ स्मिथ के खेल की ही चर्चा थी, लेकिन दूसरी पारी में एक बार फिर से एंटनी बाहर चढ़ाकर उतरे और एक बार फिर से 5 विकेट लेकर लॉर्ड्स के मैदान पर अपना नाम जमाया। लॉर्ड्स के मैदान पर एंटनी का नाम अब अजर अमर था। इसे ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद एंटनी ने कहा था, मैं बहुत भावुक हूँ, तसल्ली, जश्न और बहुत सारा गर्व महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही महसूस कर रहा हूँ कि अब होम ऑफ क्रिकेट में एंटनी का नाम हमेशा बना रहेगा। एक दिन मेरे बच्चे लॉर्ड्स की दीवार पर मेरा नाम देखेंगे। साथ ही मैं उन सभी ब्लैक युवा लड़कों के बारे में सोचता हूँ जो इससे प्रेरणा लेंगे और ये महसूस करेंगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि एक साउथ अफ्रीकी का नाम इस दीवार पर आया है। मैं चाहता हूँ कि हर साउथ अफ्रीकी इस पर गर्व महसूस करे। एक मवेशी के लिए जानवरों की हर चीज़ बहुत प्यारी होती है, जैसा कि इस कहानी में भी मिला। एंटनी की जिंदगी बदली और वो एक कामयाब क्रिकेटर बन गए। इसके बावजूद वो गाय का गोबर अपनी किट में रखते थे, लेकिन एंटनी का प्यार सिर्फ गाय के गोबर से ही नहीं था।
बल्कि अक्सर वो खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने पेशाब का इस्तेमाल भी करते थे। एंटनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर मैं कभी भी खेल के एक सेशन में अच्छा नहीं कर पाता तो टॉयलेट में जाकर अपने हाथ पर पेशाब करता और फिर उसे अपने चेहरे पर मसल लेता था। इससे मैं फिर से आगे के खेल के लिए तरोताज़ा हो जाता था। वैसे तो एंटनी का करियर बहुत से उतार चढ़ावों और अजीब किस्से कहानियों से भरा रहा, लेकिन वो साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी गेंदबाज थे। उन्होंने अफ्रीकी टीम के लिए कुल 101 मैचों में 390 विकेट अपने नाम किए। टेस्ट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में आया, जब उन्होंने एक मैच में 13 विकेट चटकाए। इतना ही नहीं, वनडे में उनका बेस्ट स्पेल 22 रन देकर 6 विकेट रहा, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ किया। ये दोनों ही प्रदर्शन किसी भी साउथ अफ्रीकी फास्ट बॉलर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। एंटनी शॉन पोलॉक और एलन डोनर के बाद साउथ अफ्रीका के लिए 300 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज रहे। इंग्लैंड के खिलाफ 100 टेस्ट पूरे करने के बाद उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट खेला और साल 2011 में भारत के खिलाफ T20 खेलकर उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। आपके लिए किस्सा लिखा था हमारे साथी विपिन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉक।